तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स अब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाने लगी है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। रेलवे की भी बात करें तो इस बार रेलवे ग्रुप डी और एएलपी में, यानी असिस्टेंट लोको पायलट में भी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। अगर बैंक की बात करें तो बैंक की तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स, बैंक में पूरी की पूरी करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। यानी कि हर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाने लगी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विदेश में रहने वाले अपने देश के लोगों से धन प्राप्त करने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो विदेश में रहने वाले अपने देश के लोगों से धन प्राप्त करने में भारत पहले स्थान पर है। विश्व बैंक ने कहा है कि विदेश में बसे अपने देश के लोगों से धन प्राप्त करने में भारत शीर्ष स्थान पर है। यानी कि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत धन प्राप्त करने में और देशों से पहले स्थान पर है, यानी कि शीर्ष स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन आपका एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है दक्षिणी जापान की। और कौन है देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दक्षिणी जापान की रहने वाली नवी ताजिया, यानी इनका नाम था नवी ताजिया, का 117 साल 261 दिन की उम्र में निधन हो गया। ये जो थी ये रहने वाली थी दक्षिणी जापान की। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएस कितने बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो टीसीएस 100 मिलियन डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर के पार हो गया। यानी कि 100 बिलियन डॉलर के पार हो चुका है टीसीएस का। टीसीएस ये रिकॉर्ड बनाने वाली देश की पहली कंपनी है। ये क्वेश्चन भी आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे ने टिकट बुक कराने पर कितने प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है? तो दोस्तों रेलवे ने टिकट बुक करने के लिए 10% की छूट देने का फैसला किया है। दूर पैकेज के तहत यात्रा करने पर रेलवे ने यात्रियों को बेड से 10% की छूट देने का फैसला किया। यानी कि 10% बेड से छूट देने का फैसला किया है। इसके द्वारा आईआरसीटी, यानी कि आईआरसीटीसी पर्यटकों को सस्ती दर पर दूर पैकेज उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस एयरलाइन कंपनी को हर महीने 250 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है? तो एयर इंडिया को हर महीने 250 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को हर महीने 200 से 250 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस घाटे की वजह से एयर इंडिया को सारे विमानों का रख रखाव रखने में दिक्कत हो रही है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2018-19 में और तेजी से आगे बढ़ेगी? तो किसने कहा है, तो उर्जित पटेल ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2018 और 2019 में और तेजी से बढ़ेगी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कि देश के जो सबसे बड़े जो बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल। आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल। इन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2018-19 में और तेजी से आगे बढ़ेगी, और चालू वर्ष में आर्थिक वृद्धि और तेज होने की उम्मीद है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने केवाईसी के लिए आधार को बैंक खाते में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी के लिए आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी के लिए आधार को बैंक से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आना बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तब ये आधार को जो केवाईसी में लिंक करने का जो सुझाव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, तब ये पारित हो जाएगा, यानी कि केवाईसी के लिए आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को एडमिशन कितने वर्ष में मिला है। तो सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को एडमिशन 57 वर्ष के बाद मिला है। भारत के सैनिक स्कूलों अब तक किसी भी लड़की को एडमिशन नहीं मिला है। लखनऊ के सैनिक स्कूल ने पहल करते हुए 57 वर्ष में पहली बार लड़कियों को एडमिशन दिया है। इस साल के सत्र में 15 लड़कियों का चयन किया गया, यानी कि इस बार 15 लड़कियों का चयन किया गया, यानी कि 57 वर्ष बाद इन 15 लड़कियों का चयन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गांवों के ढांचे का विकास करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इस नई योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मांडला जिले में, यानी कि मांडला जिले में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में किसने संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में संविधान बचाओ का अभियान जो शुरू किया है, वो राहुल गांधी ने संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की है। संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य संविधान और दलित पर कथित हमलों के मुद्दे के राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों, ये था 24 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर्स, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को जरूर बताएं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।